हेलो स्टूडेंट्स, आरसी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग की कविता ग्राम श्री हम पढ़ रहे हैं, जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। इनका जन्म सन 1900 में हुआ था और मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। कवि ने गांव की जो प्राकृतिक सुंदरता है, गाँव के हरे भरे खेत हैं, उनका वर्णन इस कविता में किया है। इन पंक्तियों में कवि ने गंगा के किनारे गंगा तट का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कविता की पंक्तियां हैं बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी स्वार्थे हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगर उठी रहती सोई। यहाँ पे कवि ने गंगा के किनारे जो मिट्टी का भंडार है उसका वर्णन किया है, तरबूजे की जो खेती की जाती है उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया है, और बगुले जब शिकार करते हैं तो किस प्रकार अपनी कलंगी संवारते हैं उसका वर्णन किया है, और एक चक्रवाक पक्षी तथा मगरोटी पक्षी वहाँ पे किस प्रकार विचरण करते हैं उसका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। अब बात करते हैं इनके शब्दार्थों की और भावार्थ की। बालू के सांपों से अंकित है, अंकित का अर्थ होता है निशान। गंगा की सतरंगी रेती, सतरंगी का अर्थ होता है सात रंगों वाले या विभिन्न रंगों वाले, सात रंगों वाले। भी कवि ने गंगा तट के किनारे के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि गंगा के किनारे सात रंग की मिट्टी का भंडार, अर्थात अनेक रंग की मिट्टी का भंडार है, और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वे चमकने लगती है, और उसकी चमकने से वहाँ की मिट्टी का जो आड़े वले हैं, टेढ़े मेढ़े दृश्य हैं, वो बालू रूपी सांप के तरह प्रतीत हो रहे हैं। जिस प्रकार मिट्टी के ऊपर से सांप रेंग कर जाता है, उसके निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वहां की मिट्टी टेढ़े-मेढ़े आकार में है, जो बालू रूपी सांपों के निशान से प्रतीत हो रही है। सुंदर लगती सरपत छाई, सरपत का अर्थ होता है घास, हरी घास। गंगा तट पर हरी भरी घास उगी हुई है, जो वहाँ की सुंदरता को बढ़ा रही है। तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा नदी के किनारे तरबूजों की खेती की जाती है, जो उस क्षेत्र को, उस आसपास के क्षेत्र को बहुत ही सुंदर बना देती हैं। अंगुली की कंघी सी बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, जब गंगा नदी के किनारे बगुले शिकार करते हैं तो अपनी कलंगी को इस प्रकार संवारते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने बालों में कंघी कर रहा हो। तिरते जल में सुरखाब, सुरखाब एक चक्रवाक पक्षी होता है, चकवा पक्षी, सुरखाब एक पक्षी होता है, चकवा पक्षी या चक्रवाक पक्षी। वो गंगा नदी के जल में तिरते रहते हैं पुलिंग पर, तट पर मगरोटी रहती सोई। मगरोटी एक पक्षी होता है जो वहां पर सोया रहता है। भी कवि ने देखो यहाँ पे पक्षियों को वर्णन करते हुए कहा कि चक्रवाक पक्षी गंगा नदी के जल में तैरता रहता है, और मगरोटी नामक पक्षी वहां पे आलस्य से सोई रहती है। बच्चों, कविता की नेक्स्ट पंक्तियां हैं हसमुख हरियाले हिम आतक सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की तारक स्वप्नों में से खोए।
मरकत टिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नबगा आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, नीच शोभा से हता जनमन। इसमें कवि ने शीत ऋतु का वर्णन किया है और शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि हंसमुख हरियाले हिमातप, हिमातप का अर्थ होता है सर्दी की धूप। जब सर्दियों में धूप हरे भरे भूभाग पर, खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वे सूर्य की किरणों से चमक उठते हैं, सुख से अलसाए से सोए, और उस समय वे ऐसे प्रतीत होता है जैसे बहुत ही प्रसन्न हो रहे हो, सुख अनुभव कर रहे हो या खुशी से झूमे रहे हो। सर्दियों की धूप में जब खेतों की हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वे सुख का अनुभव करती हैं, और जब सुख का अनुभव होता है, मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है तो वह आलसी हो जाते हैं। इसी प्रकार हरी भरी खेतों की जो हरियाली है वह भी आलस से लिए हुए है। भीगी अंधियाली में निसी की, भीगी का अर्थ होता है भीगी हुई, गीला होना, अंधियाली अंधेरा, निसी की रात की। सर्दी की जो अंधेरी रातें होती हैं वे ओस के कारण भीगी हुई हैं। वे कवि ने कहा है कि सर्दियों की रातें जो होती हैं उनमें जब ओस पड़ती है तो वे रातें भीगी हुई तथा ठंडी महसूस होती हैं। तारक सपनों में से खोए, तारक अर्थ होता है तारे। तारों को जब देखते हैं, जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो ऐसे लगता है मानो तारे सपनों में खोए हुए हों। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, और कवि को ये संपूर्ण गांव एक मरकत के डिब्बे सा दिखाई दे रहा है। मरकत एक पन्ना नामक रत्न होता है जो हरे रंग का होता है। जब डिब्बे को खोलते हैं तो डिब्बे में हरे रंग का एक रत्न दिखाई देता है। उसी प्रकार जब हम गांव को चारों तरफ से देखते हैं तो वह चारों तरफ से हरा भरा दिखाई देता है। जिस पर नीलम नबगा आच्छादन, नीलम नीला नब आकाश, और इस हरे भरे भूभाग को नीला आकाश ढका हुआ है। आच्छादन का क्या होता है? ढका हुआ, अर्थात इस पूरी हरी भरी भूमि को नीले आकाश ने ढके रखा है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निरुपम अनुपम हिमांत, हिम का अंत अर्थात शीत ऋतु का अंत, स्निग्ध स्नेह युक्त प्रेम से युक्त, शांत शांत निज अपना, शोभा से हरता, हरता हरण करना, जन मन लोगों का मन। और जब शीत ऋतु का अंत होता है, सर्दी खत्म होने वाली होती है तो सभी लोगों में एक अनुपम शांति फैल जाती है निज शोभा से, और वहाँ का जो वातावरण है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वह अपनी शोभा के कारण सभी लोगों के मन को आता है, उन्हें खुशी प्रदान करता है। सभी व्यक्तियों का मन उस हरे भरे भूभाग को देखकर खिले उठता है। धन्यवाद।